नमस्कार। 31 जुलाई का दिन गुजर चुका है। 31 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए क्योंकि ये आखिरी तारीख होती है अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। तो 31 जुलाई तक जिन लोगों ने अपना रिटर्न फाइल कर लिया है, ठीक है, वो बिना पेनल्टी के उनका जो प्रोसेस है रिटर्न, जो इनकम टैक्स रिटर्न है, वो हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक फाइल नहीं किया है, वो मोटे जुर्माने के लिए तैयार रहे। अब उनको पेनल्टी भी लगेगी, उनको जुर्माना भी देना पड़ेगा और भी कई तरह की पेनल्टीज उनके ऊपर लगाई जा सकती है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है, क्योंकि बात तो हम सब जानते हैं कि 31 तारीख के बाद अगर आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके लिए फिर आपको जुर्माना अदा करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो उनकी तरफ से लगाया जाता है। लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है, आपको ये बताना, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद सबसे ज्यादा जो जिस चीज का इंतजार रहता है वो रहता है रिफंड, यानी कि जो पैसा हमारा कटा है टैक्स के रूप में, वो पैसा टैक्स देने के बाद जो हमारा बचता है, यानी कि रिफंड जो हमारा बनता है, वो हमारे अकाउंट में कब तक आ जाए, इस बात की सबको चिंता रहती है। और हर एक शख्स की ये कोशिश रहती है, हर एक शख्स ये सोचता है कि यार बहुत जल्दी ये सारा प्रोसेस हो, क्योंकि हमने टाइम से रिटर्न अपना फाइल कर दिया है, तो जो भी टैक्स बचता है सरकार ले ले और उसके जितना रिफंड बचता है वो पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, इस बात का इंतजार रहता है। और ये सोचते हैं सबकी जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा सा वक्त लगने वाला है। इस बात को कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स ने इस बात को बताया है, जानकारी दी है। ऐसे एक टैक्स एक्सपर्ट जिन्होंने जानकारी दी है इस बात को लेकर कि इस बार का जो रिफंड है उसके आने में देरी हो सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया प्रोग्राम तैयार किया है जिसको AI ITR प्रोग्राम कहा जा रहा है। AI मतलब वो AI तकनीक जो होती है उसको आप जानते ही हैं। तो AI तकनीक को भी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने में शामिल किया गया है और इस प्रोग्राम का नाम AI ITR यानी कि AI इनकम टैक्स रिटर्न प्रोग्राम इसका दिया गया है। इसके तहत क्या है कि अब AI के थ्रू जांच की जा रही है जितने भी रिटर्न्स की एप्लीकेशंस आई हैं, क्योंकि जो एक जानकारी थी करीब 6.5 करोड़ के आसपास, जब 31 जुलाई के दिन 6.5 करोड़ के आसपास जो रिटर्न के एप्लीकेशन हैं, जो रिटर्न्स हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल किए जा चुके थे। तो अब AI ITR प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम करेगा कि जो आपका डेटा है, जो आपने रिटर्न में भरा है, उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई कैसे करेगा, AI ITR प्रोग्राम आपका जो पैन नंबर होता है और आधार कार्ड होता है, उसके आधार पर आपकी सारी डिटेलिंग्स निकालेगा। डिटेलिंग से मेरा मतलब यहां पर यह है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड से आपको सब समझ में आ जाता है कि आपका कौन कौन से अकाउंट्स हैं, कितनी FDs कितने बैंक में है, क्या आपने खरीद बिक्री की, कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची तो उसमें आपको पैन नंबर देना जरूरी होता है, कोई गाड़ी वगैरह आपने खरीदी है तो पैन नंबर देना जरूरी होता है। तो जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदने में है, चाहे वो गाड़ी खरीदने में है, चाहे वो FD बनाने में है, चाहे वो बैंक की ट्रांजेक्शन है, कई हिडन अकाउंट्स होते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें अब AI के थ्रू जांच की जाएगी। और जांच करने के बाद फिर आपने जो रिटर्न अपना दाखिल किया है अपने CA के माध्यम से, इन दोनों को मैच किया जाएगा और मैच करने के बाद जिसका रिटर्न सही होगा उसका रिफंड जारी कर दिया जाएगा, जिसका रिटर्न ठीक नहीं होगा फिर उसको नोटिस वगैरह भेजने की जो कार्रवाई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये की जाएगी। यानी कि ये मान के चलिए आप कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आई एम नॉट अ टैक्स एक्सपर्ट, मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं वो खबर जरूर आप तक पहुंचा रहा हूं। कई वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस बारे में डिटेल में जानकारी दी है और कई टैक्स एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस बारे में बताया कि इस बार इनकम टैक्स का रिफंड आने में वक्त लग सकता है। आमतौर पर होता है कि जब हम लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 दिन 15 दिन, यानी कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हमारा रिटर्न इजिली आ जाएगा, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि ये जो अवधि है ये दोगुनी हो सकती है। यानी कि इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार की जो अवधि है, जो टाइम है, वेटिंग टाइम है, वो बढ़ सकता है। जो जहां पहले 10-15 दिन में आराम से रिटर्न फाइल करने के बाद आपका रिफंड आ जाता था आपका पैसा, उसको आने में जस्ट डबल टाइम लगेगा, यानी कि हो सकता है कि 4 हफ्ते 5 हफ्ते भी लग जाएं पैसा आने में। और ये इसलिए है क्योंकि AI प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, पहली बार है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट AI ITR प्रोग्राम को के जरिए इनकम टैक्स की जो स्क्रूटनी है, जो चेकिंग्स है, वो कर रहा है। और हालांकि इसको पहले टेस्ट कर लिया गया था, सफलतापूर्वक टेस्ट इसको किया गया था, इसीलिए इस बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने अभी हाल फिलहाल में रिटर्न फाइल किया, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आखिरी तारीख में रिटर्न फाइल करते हैं, 31 जुलाई को रिटर्न फाइल किया होगा कई लोगों ने, हालांकि मैंने तो बहुत पहले कर दिया था, मैंने अपना रिटर्न करीब 15 दिन पहले फाइल कर दिया था, अभी तक रिटर्न मेरा जो रिफंड है वो आया नहीं। और जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे जाहिर सी बात है, अगर आपको रिफंड का इंतजार रहता है तो मुझे भी रिफंड का इंतजार रहता है कि कब मेरा पैसा मेरे पास आएगा। तो ये खबर मैंने पढ़ी, 2-3 जगह 4 जगह इस खबर को मैंने पढ़ा, इसकी डिटेलिंग्स मैंने निकाली कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगा कि ये कैसी खबर है जिसको आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि अगर आप भी ये इंतजार कर रहे हैं कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया।